करोलबाग के उस हिस्से में है जिसे मोबाइल मार्केट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी यहाँ पर तमाम सामान जो है वो बेचा और खरीदा जाता है। तो देखिए यहाँ पर सारे कनेक्शन जो है वो फिट बैठाए जाते हैं, हर सिम कार्ड यहाँ काम करता है। लेकिन सरकार के लिए यहाँ के नौजवानों की क्या राय है, यहाँ के सेल्समैन, यहाँ के कस्टमर्स क्या सोचते हैं, करोलबाग में आए हुए लोग क्या सोचते हैं या बसने वाले क्या सोचते हैं, ये जानने समझने की कोशिश करेंगे। 24 का चुनाव आने वाला है जी, सरकार बदलने का मौका है। हाँ जी, बदलेंगे सरकार, दिल्ली सरकार तो बदलेंगे ही। मोदी प्रधानमंत्री कौन होंगे? मोदी जी होंगे, मोदी जी, और इनके अलावा कोई है ही नहीं, कोई और चेहरा नहीं। हमको अच्छा ही नहीं लगता, हमको अच्छा ही नहीं लगता, मोदी जी के अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता और कोई है भी नहीं। ऐसे ही हमारे मन की इच्छा है, अभी भी बीजेपी है और उनके अलावा और कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि काम दिख रहा है मोदी जी का तो अभी। कौन सा काम दिख रहा है? जैसे मंदिर वगैरह बना दिया इलेक्शंस में, और क्या कहते हैं आपका, और भी काफी काम करे हैं। नौजवानों के लिए क्या क्या, युवा है? नौजवानों के लिए तो अभी ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं है। फिर भी मोदी? हाँ, क्योंकि हिंदू सरकार आएगी तो ऑब्वियसली देश को थोड़ा हो गई। सरकार आएगी बीजेपी वगैरह, बाकी हिंदू नहीं है, बाकी तो फिर सेकुलर बन जाएगी ना पूरे, क्योंकि फिर उनको सबके देखना है। सरकार के मेन्यू में क्या है? मोदी, मोदी। कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, नहीं और कुछ नहीं है, मोदी के आगे कोई कुछ नहीं है। हमें पसंद ही नहीं है मोदी के अलावा कोई भी, मोदी के आगे कोई नहीं है। कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, जो मोदी जी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? मैं थोड़ी बताऊंगा, बहुत अच्छा अच्छा करा उन्होंने। आपको ही पता किसने क्या करा? मैं तो पूछ रही हूँ ना, तो मैं भी पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या करा मोदी ने। बहुत बढ़िया बना देंगे वो आने वाले टाइम पे, हिंदुस्तान है ना हमारा, बहुत बढ़िया बना देंगे आने वाले टाइम पे। ये देश की बढ़ोतरी की भूख किस किस को है, बात उन नौजवानों से करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि सत्ता के बारे में क्या सोचते हैं। अंकल जी, 2024 की सरकार बनने और बदलने की बारी है। हम तो नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे? नहीं, मोदी जी हमारे बहुत बढ़िया है। अच्छा। बहुत बढ़िया जा रहे हैं इस टाइम और जाते रहे, अच्छे हमारी शुभकामनाएं उनके साथ रहे, लगी रहे कि एकदम ओके रहे। कौन सी पॉलिसीज ऐसी पसंद आ गई? काम अच्छे कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पुलिस तो बहुत ही है, लेकिन हमारे मन में तो वही बैठे हुए हैं। बस है, कुछ बातें ऐसी होती है बता नहीं जाते हैं। कुछ नौजवान हैं, 2024 में वोट करेंगी इलेक्शन? हाँ जी, हाँ जी। कौन से लीडर का ख्याल आता है जब सोचती हैं कि सरकार बनानी है, प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी क्यों? काफी कुछ किया है उन्होंने, जैसे कि देश को काफी बदल रहे हैं भाई, इसलिए काम करा रहे हैं वो, क्योंकि काम कराया जा रहा है। हाँ, कौन सा काम? हर जगह इकोनॉमी में देख लो, डिफेंस में देख लो, अपना फिफ्थ नंबर पे इकोनॉमी आके खड़ी कर दिया है। और अगला ये वादा है कि अगर कुछ सालों में और हमारी सरकार आती है तो हम दूसरे या तीसरे नंबर पर लाके खड़े करेंगे। और उसके बाद डेवलपमेंट इकोनॉमी में, डिफेंस में अपने वो बनाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर, और जो जितने भी एयर शो G20 अभी यहाँ हुआ है, इंडिया में हुआ है, इससे भी काफ़ी बूस्टर मिला है। और राम मंदिर देख लो जी, जो वो किया है इन्होंने, डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट ला रहे हैं। मोदी की सरकार बनेगी, बनेगी, देश के लिए सही कर रहा है, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। क्या अच्छा कर? सभी काम का अच्छा कर रहा है, आपको भी पता है वो तो। कौन सी पॉलिसीज हैं जो अच्छी? सारे ही सबने करा दिया, सभी उसी ने करा। PM है जो पूरे दिन बस खाली 4 से 5 घंटे सोता है, जो 4 से 5 घंटे सोने के अपने देश के काम के लिए अपनी नींद खराब करता है, तो ऐसा प्रधानमंत्री किसको नहीं चाहिए होगा। लेकिन बहुतों को तो इस बात पे भरोसा ही नहीं है। वो सेकुलर है, सेकुलर भी कुछ नहीं कर सकते। सेकुलर ऐसा फैल रहा है जैसे कि अब देश के लिए कैंसर हो। जब तक सेकुलर खत्म नहीं होगा देश के अंदर, जब तक कुछ नहीं हो पाएगा। कट्टरता अच्छी है? बिल्कुल, कट्टरता ही अच्छी है, कट्टरता अच्छी है। हिंदू सोए हुआ था, अब जाग रहा है और आगे भी बढ़ रहा है और दौड़ रहा है अब। कैसे अच्छे, खुद प्रधानमंत्री अबू धाबी जाके आए? हाँ, तो अभी तभी जाके जाए, तो सब हमारे साथ हैं, हमारे समर्थन में है वो सारे देश। वो तो प्यार की बात कर रहे हैं ना सबसे। हाँ, तो प्यार की बात करो ना, तो प्यार की बात किसने मना करी है? अगर वो प्यार से नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका भी तो होता है ना किसी के पास। बिल्कुल सही बोला, दूसरा तरीका भी तो होता है नहीं मानेगा तो प्यार से। बिल्कुल भरोसा है, 101%। तो चलिए, ये भरोसा है यहाँ मोदी की गारंटी पर। कुछ और लोग हैं, कोई है सर नजर में 24? हम तो कश्मीर से हैं। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे लगता है। क्यों? कोई वजह नहीं? नहीं, मोदी जी ने अच्छे काम भी किए हैं। क्या काम किए कश्मीर के लिए? क्या अच्छे काम किए?
कश्मीर के लिए नहीं कह सकता हूँ, लेकिन पूरे भारत के लिए अच्छे काम किए हैं, खासकर जो ये रिश्वतखोरी थी वो ख़त्म हो गई। हाँ, हमें तो ये नज़र आ रहा है रिश्वतखोरी ख़त्म हो गई है, तो काम हो रहा है आजकल, किसी भी ऑफिस में जाओ तो काम हो रहा है, ये काम तो बहुत अच्छा किया। किसी और हिस्से में चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ लोग क्या सोचते हैं। तो देखिए, गफार मार्केट में इस वक्त मैं हूँ और कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पर, आप खरीदारी करने के लिए पहुँची हैं। जी जी, जब महिला खरीदारी करने के लिए पहुँचती है तो वो हर चीज़ का हिसाब किताब लगा कर पहुँचती है, तो ये तो सिर्फ घर की बात है, लेकिन जब देश के लिए हिसाब किताब लगाना हो तो कौन सी सरकार, देश के लिए सबसे ज़्यादा सोचना ज़रूरी है और हर उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जो उस देश में रहता है, और ऐसी जनता को ये सोचना बहुत ज़रूरी है, वो ये ना देखे कि हमें मुफ्त में ये मिल रहा है या वो मिल रहा है, वो ये देखे कि हमारे लिए भविष्य कैसा होगा, फ्यूचर के बारे में सोचें। तो भविष्य किस सरकार के साथ नजर, भविष्य सरकार ये तो लोगों की अपनी सोच होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मुफ्त खोरों से बचिए और आप अपना थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए, हर चीज़ मुफ्त में लेने से आदमी क्या हो जाता है, आलसी बनता है। पीएम मोदी पर क्या राय है? पीएम मोदी अच्छे हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, आपका क्या कहना है? मोदी जी आएंगे वापस। क्यों? जो बहुत अच्छा काम किया है, मैं बुंदेलखंड महोबा जिला से हूँ, तो मैंने देखा कि हमारे बुंदेलखंड में कोई काम नहीं होता था, इस सरकार ने वहाँ पर डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी बहुत काम किया है, जो वहाँ पे सपा बीएसपी की सरकारें थी कुछ नहीं करती थी, वहाँ जाति पे आधार व्यवस्था थी, इसने कोई जाति ना देख कर, सिर्फ ना धर्म देखा ना जाति, सबके लिए बराबर काम किया, गरीब जाति हर समाज के लिए। सपा आती थी तो वो कुछ लोगों की, कुछ जाति के लोगों के लिए काम करती थी, बीएसपी आती थी तो वो अपनी जात के लोगों के लिए काम करती, लेकिन बीजेपी ने क्या किया कि जाति व्यवस्था जो थी उसे ख़त्म कर दिया और लोगों में भावना, एक जो समानता की भावना है वो पैदा की है। लेकिन लोग तो धर्म की राजनीति का आरोप लगाते हैं। नहीं, धर्म की राजनीति कांग्रेस करती रही है, बीजेपी ने नहीं कर रही है, जो बीजेपी को करना चाहिए वो बहुत अच्छा कर रही है इस समय, और मोदी जी दोबारा आएंगे, क्योंकि यूपी से देखूँ तो वहाँ बहुत ही गुंडा राज था, लेकिन जब सरकार आई तो वहाँ गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हो गया। हम लोग थाने में जाते थे तो FIR दर्ज नहीं होती थी, जाति पूछी जाती थी आप किस जात के हैं, तो वहाँ समाज को सबसे अच्छी चीज़ है कि गुंडाराज से मुक्ति मिली है, काम बहुत हुआ है। गुंडाराज से मुक्ति मिली है, काम हुआ है, ये तर्क देते हुए लोगों की पसंद फिलहाल वो कहते हैं कि मोदी है। आपकी पसंद कौन है? मोदी। तो देखिए, मार्केट के अलग अलग हिस्सों में हम जा रहे हैं, इस वक्त एक कपड़े की दुकान पर मैं पहुंची हूं, तो अंकल जब हम कपड़ा ख़रीदते हैं या कोई भी कस्टमर ख़रीदता है तो वो प्रीमियम कितना है, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो फटेगा तो नहीं, तमाम चीज़ों पर गौर की जाती है, तो जब देश के नेता चुनने की बारी आती है तो किस चीज़ पर गौर करनी चाहिए? पहले ईमानदार होना चाहिए नेता, और उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अपने परिवार को बढ़ाने के लिए उसका फोकस इंडिया पे, इंडिया की ग्रोथ पे होना चाहिए। 24 में कौन सा चेहरा होगा? कोई ऑप्शन नहीं है मोदी जी के अलावा। अच्छा जी, कोई दूर दूर तक अगर कोई है तो अमिताभ बच्चन 4 ऑप्शन देता है अपने क्वेश्चन, आप मुझे 1 दे दीजिए और 2 दे दीजिए, मैं बता दूंगा आपको। 2 पार्टियां बड़े बड़े दावे कर रही हैं। पार्टियों को छोड़ो आप, यू हैव एनी अदर पर्सन हु कैन बी फिट फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट? 60 साल में देश में कुछ नहीं हुआ? हुआ है, लेकिन स्पीड जो थी ना वो बहुत स्लो थी, मालगाड़ी की तरह चलते थे, अब बुलेट ट्रेन की तरह चल रहे हैं हम। दैट इज, बुलेट ट्रेन का इंतजार हो रहा है क्या? जी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ना मतलब ही नहीं है, जब तक मोदी जी हैं कोई विकल्प नहीं है, जब तक मोदी है कोई विकल्प नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है। इस तरह के तमाम नारे जब सरकार के नेता देते हैं तो वो लगता है कि वो सियासी बयानबाजी हो रही है, लेकिन जब जनता ये सब कहती है तो उसको क्या, कैसे लें, क्या समझें? नहीं, हम मुशर्रफ से हैं। अच्छा, आप इंडिया से नहीं हैं, तो इंडिया में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, शॉपिंग अच्छा चल रहा है, शादी के लिए शॉपिंग करना है, ठीक चल रहा है। मोदी जी के बारे में सुना है? थोड़ा थोड़ा सुना है। क्या सुना है? वो अच्छे काम कर रहे हैं ना। हाँ, मैं वो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और दिख भी रहे हैं, हम पिछले बार भी आए थे तो काफ़ी चेंजेस दिख रहे हैं। देखिए, विदेश नीति की एक तरफ बात हो रही है तो कुछ विदेश से जब लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, कुछ बदलाव ज़रूर यहाँ पर नज़र आता है। तो देखिए, अलग अलग लोगों से बात करें, उनकी राय ले रहे हैं, और इसी बीच महिलाओं की राय जानना भी बहुत ज़रूरी है। घर की लक्ष्मी होती हैं, घर चलाना अच्छे से जानती हैं, लेकिन जब देश चलाने की बारी आती है तो महिलाएँ कितनी जागरूक हैं?
महिलाएं कितनी जागरूक हैं, कौन से नेता को पसंद करती हैं, कौन सी सरकार? अब तो सब मोदी को ही पसंद कर रहे हैं। क्यों? कि मोदी अच्छे काम कर रहा है। कैसे? सब जगह अच्छा ही दिखाई दे रहा है मोदी। कैसे अच्छे कैसे काम हो रहे हैं? महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए सबके लिए सुख कर रहा है, बेटियों के लिए भी दे रहा है, हर किसी के लिए दे रहा है, विधवा औरतों को दे रहा है। और क्या चाहिए? एक ही नेता है, एक ही विकल्प है? कोई नहीं, कुछ नहीं, सॉरी, कोई विकल्प नहीं। आपको क्या लगता है? मोदी जी बेस्ट, देश के लिए, देश हित में काम कर रहे हैं और देश के हित में ही काम करते रहेंगे। मोदी जी एक ऐसा हीरो है जो राहुल गांधी उसके सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ, और विदेश मंत्री जैसे जयशंकर जी है और है और अजीत डोभाल साहब है, ये सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विदेश नीति में, और देश के हित में ही मोदी जी काम करेंगे, आगे भी काम करते रहेंगे। चलिए और कुछ लोगों से जान लेते हैं, वोट करेंगे 24 में? हाँ, मोदी आएगा। क्यों? सारे फेल हो जाएंगे, कांग्रेस वांग्रेस झाड़ू वाड़ू सब फिल जाएंगे, सबके झाड़ू। क्यों? जो मोदी ने काम करना है कोई किसी का खानदानी भी नहीं कर सकता काम। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन आएगा 24 में? मोदी आएगा। मोदी आएंगे? हाँ। काम ही ऐसे कर दिया उसने, जैसा 370 कर दिया, राम मंदिर कर दिया, 3 तलाक कर दिया, सारे काम मुद्दे कर दिए। हाँ, मुद्दा बचा ही नहीं कोई। तो 24 में क्या करेंगे फिर? मुद्दा तो कोई बचा नहीं, अब नया काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। अभी एक मंदिर भी और तैयार हो रहा है, कल उद्घाटन किया मोदी जी ने एक मंदिर का भी, वो तो अबू धाबी में किया, दिल्ली में भी करा कल उद्घाटन एक और, कलकी में। ये कांग्रेस ने किया, 70 साल राज किया कांग्रेसियों ने, कोई काम किया 70 साल में? नहीं किया। झाड़ू आए, झाड़ू अपना पैसा कमाने लग रहे हैं, जो भी अफसर मंत्री दे दो उनको, मैडम जो भी आएगा पैसा मांगेंगे, झाड़ू वाले जो भी है। अच्छा। सबको पैसा चाहिए, झाड़ू वालों को सबको पैसा तो सबको चाहिए। हाँ, लोगों को भी तो चाहिए, रिश्वत सबको चाहिए। अच्छा। बिना रिश्वत के काम नहीं होता। लीडर कौन सा पसंद है? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? क्या सबकी मिल जाए, गरीब आदमी क्या चाहिए? गरीब आदमी क्या चाहिए? इनको जिसको फ्री चाहिए तो पैसा ले लेगा, हमें क्यों चाहिए? अपना कमाएंगे, अपना खाएंगे, लाखों की वो क्या करोगे? केवल केवल फ्री की राजनीति, जो लाखों आदमी ले जाते हैं पैसा बाहर, 5000 करोड़ का माल वापस कर दिया, माल लेके भाग गए, उसका क्या करोगे? आज नहीं, आज की आज ही हार जाएगा। जो करोड़ों करोड़ों जो करोड़ों रुपए बाहर लाके उसका, जितने गठबंधन बनाए हैं सारे गठबंधन टूट गया ना, सारे गठबंधन टूट गया ना, सब टूट गया। कौन है शराब का ढीला? कौन ला गया शराब जो बेचता था? कौन सा शराब बेचता था? शराब कौन बेचता नहीं तुझे? तो इसने केजरीवाल ने ही तो बेचा है, बेचा ही तो है, तो वो कहाँ गया? केजरीवाल के पास कहाँ गया वो? आप केजरीवाल की बात क्यों कर रहे हो? केजरीवाल के हित की बात क्यों कर रहे हो? लाके आए वापस, केजरीवाल के हित की बात क्यों कर रहे हो? जब अडानी कहाँ गया, वो कहाँ गया? नहीं झूठी बात नहीं, क्या झूठी? हाँ, शराब केजरीवाल ने जो बेचा जाएगा, केजरीवाल भी जेल में जाएगा अब, और एक महीना हो गया, एक महीना। ये तो नीरव मोदी विजय माल्या की बात है, केजरीवाल जेल में जाएगा, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम चोर है, वो तो कांग्रेस के टाइम में भी अडानी विजय माल्या, तो इन्हीं के टाइम में सारी हेरा फेरी इन्हीं के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में सब चोर है, सब चोर है। मोदी के खिलाफ कोई नारा से तो 36 कसम बन जाए कांग्रेस के, हार जाएगी सारे सब पे झाड़ू फिर जाएगी। चलिए, सब पे झाड़ू फिर जाएगी, मोदी आएंगे। आपको क्या लगता है कौन सरकार बनाएंगे? देश के बाद है मोदी सरकार है तो मोदी सरकार ही आना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि अच्छा है। अंकल जी, आपने देश को बहुत बारीकी से देखा है, समझा है, एक तजुर्बा है, तो अब क्या लगता है कि 24 में किसकी सरकार आनी चाहिए? जो काम करेगा उसी की सरकार आएगी, जो देश के लिए सोचेगा उसी की सरकार आएगी। किसी नेता की छवि मन में आती है? वो तो जो सबको दिखता है किसकी छवि मन में आती है वो तो सबको दिखता है, उसको कहने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को प्रमाण की जरूरत नहीं रहती है। तो अपनी मनपसंद नहीं बताएंगे? पसंद क्या वाली बात क्या होती है, कोई मैंने सिलेक्शन थोड़ी करना है, वो ये तो फिक्स है। अच्छा। हाँ जी, सिलेक्शन तो होता है जब किसी आपके सामने ऑप्शंस हो। तो ये मजबूरी है या पसंद है? मजबूरी कैसे कह सकते हैं आप? कैसे मजबूरी को क्या मतलब है मजबूरी का? मजबूरी और पसंद में क्या चीज आप चाहते हैं? आप उसकी क्या डेफिनेशन है? नहीं, आपने कहा ना कि ये तो फिक्स है। हाँ, तो फिर जो काम करेगा, जो दिखाई देगा, वही तो आएगा ना।